हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत प्यारा डिज़ाइन है और ये फुल स्वेटर का डिज़ाइन है, फुल कोटी का डिज़ाइन है। आपको आप इसको पूरे अपने कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी आप इसको डाल सकते हैं और किसी भी कलर में आप इसको डाल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और ये चार फंदों के मल्टीफल से ये डिज़ाइन जो है वो चलता है। तो आप इस तरीके से अपनी जो प्रोजेक्ट में फंदे शामिल कर लें और दो फंदे एक्स्ट्रा रख लें। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसको कैसे बनाना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 22 फंदे जो हैं यहाँ पर डाले हैं, जो कि यहाँ पर हम थोड़ा बनाना सीखेंगे। तो ये हमारी सीधी साइड से पहली सिलाई है फ्रेंड्स, और ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बॉर्डर के रूप में बनाया हुआ है। तो ये सिलाई जो है हमने यहाँ पे, ये पहला फंदा है, इसको हम ऐसे एज स्टिच को स्लिप करेंगे और उसके बाद सारी सिलाई हम यहाँ पर सीधी बुनेंगे। धागा पीछे रखेंगे और सारी सिलाई को हम सीधा ही बुनेंगे इस तरीके से। ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स उल्टी साइड से शुरू होता है, उल्टी साइड पे डलता है ये। तो ये इस साइड का जो सिलाई है, पहली सिलाई बिल्कुल सीधे ऐसे आप बुन लें। तो ये हमारी पहली सिलाई बिल्कुल सीधी थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब हम उल्टी साइड पे आते हैं और अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये पहला फंदा है, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। अगर आप बुनते हैं तो आप बुन लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे अगले तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों को हम एक साथ यहाँ पर बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर तीन फंदे मैंने यहाँ पर सिलाई पर ले लिए, उनको हम यहाँ पर एक साथ बुनते हुए, ये देखिए, ऐसे थोड़ा सा लंबा इसको खींच लेंगे धागे को। लेकिन अभी इन फंदों को हमने छोड़ना नहीं है, यहाँ पे तीन तीन फंदों को एक साथ बुनना है और तीन फंदे ही हमने यहाँ पे और बना लेने हैं। तो ये एक ऐसे लपेटेंगे एक बार, जैसे हम जाली डालते हैं ना उसी तरह से। उसके बाद फिर से इसमें से एक फंदा और बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमारे ये तीन फंदे यहाँ पर बन जाते हैं। ये देखिए, तीन फंदे हमारे यहाँ पे बन जाते हैं। तो इस तरह से बस अगला फंदा जो है उसको हमने सीधा ऐसे उल्टा ही बुनना है, सिंपल अकेला एक फंदा यहाँ पे उल्टा बुन लिया। उसके बाद अगला जो अगले तीन फंदे हैं उनको भी हम इसी तरीके से यहाँ पर तीन का एक करेंगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर धागा से लपेटेंगे और इसी के तीन बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पे भी हमारे ये तीन फंदे हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये तीन फंदे हो जाते हैं। उसके बाद अगला एक फंदा जो है उसको हमने ऐसे उल्टा बुनना है, सिंगल बुनना है। उसके बाद फिर से तीन का इस तरीके से तीन फंदों को एक साथ लेना है सिलाई पे, और ये इस तरह से एक बनाया, एक धागा पकड़ के सिलाई के ऊपर ऐसे लपेट लिया, ऐसे लपेट लिया, एक ये फंदा बन गया। और उसके बाद फिर से इन्हीं तीन फंदों में से एक और ऐसे निकाल, ये देखिए हमारे फिर से तीन फंदे यहाँ पे बन गए। अब अगला एक फंदा जो है उसको हम सिंगल उल्टा बुनेंगे, उसके बाद फिर से तीन फंदों को एक साथ लेंगे और इनका फिर से यहाँ पे तीन बना लेंगे। ऐसे धागा लपेटा, एक फंदा और इसमें से बना लिया ऐसे, तो ये तीन बन गए। ये देखिए, फिर अगला फंदा जो है उसको एक सिंगल हमने बुनना है उल्टा, उसके बाद फिर से यहाँ पे तीन फंदे इस तरह से एक लपेट लिया और ये देखिए, यहाँ पर ये हो गया, तीन फंदे इसके बन गए और अगला ये सिंगल एक हो गया और हमारा ये एज स्टिच हो गया। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई उल्टी साइड से ख़त्म होती है। अब हम सीधी साइड पे आते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद यहाँ पे दो फंदे जो हैं हमारे ये बिल्कुल सीधे हैं। तो इनको हमने अब सीधी सिलाई जो है ये सीधी साइड से पूरी ही सिलाई हमने सीधी बनानी है। जो फंदे हमने यहाँ पे ये तीन फंदे बनाए थे उनको भी हमने एक एक करके ऐसे सीधा बनाना है। तो ये सारी सिलाई हमारी, जैसे हमने पहली सिलाई इसमें लगाई थी, दी थी, पहली सिलाई बुनाई करी थी, उसी तरह से हमने इसको भी सीधा ही बुनना है। इस सिलाई में हमने
तीसरी सिलाई में कुछ नहीं करना, सीधा ही बुनना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखना शुरू हो गया। अब हम उल्टी साइड पे फिर से हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि देखिए यहाँ पे जिन तीन फंदों पे हमने पहले डिज़ाइन डाला था उन पे हमने अब यहाँ पे जो बीच वाले तीन फंदे हैं ना उन पे डिज़ाइन डालना है। जैसे यहाँ से हमने ये एक पहला फंदा जो था उसको हमने स्टिच के लिए उतारा था, उसके बाद अगले तीन फंदों पे हमने डिज़ाइन डाला था। अब हमने यहाँ पर ये एक स्टिच है, उसके बाद दो फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं और उसके अगले तीन फंदों के ऊपर यहाँ पर जो सेंटर में आप देख रहे होंगे ना इन तीन फंदों के बीच में हमने डिज़ाइन डालना है। तो पहले दो फंदे जो हैं हमारे उनको हम ऐसे बुनेंगे, एक स्टिच हो गया। उसके बाद जो अगले तीन फंदे हैं उनको यहाँ पे दो फंदे हमारे ये हो गए। उसके बाद ये देखिए एक फंदा इस डिज़ाइन का, एक फंदा इस डिज़ाइन का और बीच में जो एक सिंगल हमने बुना था वो यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से अब इन तीनों का हमने यहाँ पर एक बनाना है, फिर इसी के ही हमने तीन बना देने हैं, इसको नहीं छोड़ना। जैसे हमने पहले बुना था, दूसरी सिलाई बुनी थी सेम उसी तरीके से। अब एक फंदा यहाँ पे उल्टा, उसके बाद अगले तीन फंदे जो हैं इनको हमने उसी तरीके से तीन का एक करना है और फिर उसी के ही हमने तीन बना देने हैं यहाँ पर। ये देखिए एक फंदा यहाँ पे उल्टा, उसके बाद अगले तीन फंदे जो हैं इनको हमने एक साथ बुनना है और उसके बाद इनको छोड़ना नहीं है, बस धागे को लपेटा और फिर से एक फंदा इसमें से और बना दिया। तो ये तीन बन गए हमारे पास। फिर एक फंदा उल्टा, अगले तीन फंदे जो हैं इनको एक साथ ऐसे लेना है और इनका ऐसे एक करके फिर एक बार ऐसे लपेटना है और फिर से उसमें से ही एक फंदा और बुन लेना है। तो तीन फंदे हमारे पास ये हो जाते हैं इस तरीके से। अभी अगले तीन फंदे हैं इनको भी हम ऐसे बुन लेंगे। अब सेम उसी तरह से इस तरफ से भी हम सीधी सिलाई यहाँ पे ऐसे आ जाएगी हमारी सीधी सिलाई। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन जो है बनता चला जाएगा। आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बहुत छोटा सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है बनाया हुआ। आप किसी भी कलर में इसको बनाएंगे ना बहुत बढ़िया लगेगा। जो हल्की सी ग्लिटर वाली ऊन होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा जचता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा यहाँ पर ये बन गया। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।